डूंगरपुर आसपुर क्षेत्र के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में बस स्टैंड पर स्थापित भगवान परशुराम जी की मूर्ति को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया है। मूर्ति के साथ ही चबूतरे को भी तोड़फोड़ की है। घटना के बाद गोल व आसपास क्षेत्र के श्री गौड़ ब्राह्मण समाज हुए एकत्रित लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। इस घटना को लेकर सभी ब्राह्मण अपने अपने वाहनों के द्वारा घटना स्थल के लिए निकले और मूर्ति तोड़ने वाले बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए डूंगरपुर से आसपुर मुख्य मार्ग पर पुनाली गांव में 2.5 साल पहले भगवान परशुराम जी जयंती के दिन 3 फीट की मूर्ति चबूतरे पर स्थापित की गई। रात्रि को परशुराम जी की प्रतिमा को अज्ञात बदमाशों के द्वारा तोड़ने की घटना को लेकर समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। गोलखेड़ा, आसपुर, पिड़ावल, मुगेड़, साबला, बोड़ीगामा, छोटा कब्जा, बड़ोदा, पुचपुर समाज में इस घटना को लेकर निंदा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज गोल के अशोक मेहता, उप सरपंच जितेंद्र मेहता, प्रकाश डबरावत, राजूभाई पंकज मेहता, मोहनलाल हिरावत, चंदूलाल गुन्नावत, प्रदीप मेहता, गगन मेहता, धर्मेंद्र मेहता, सर्व ब्राह्मण समाज समेत सर्व समाज के लोग पहुंचे। घटना की सूचना पर दोवड़ा थानाधिकारी कमलेश चौधरी समेत जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुनाली में जो घटना घटी है उसके लिए हम बहुत इसकी निंदा करते हैं और आज परशुराम भगवान की मूर्ति जो पुनाली में तोड़ी है इसके लिए हम व्यापिप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर एसटीएम के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और अगर इसको कार्रवाई में पकड़ा गया कोई मुजरिम तो फिर आगे के लिए हमें बहुत तकड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ से पूरा ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर पुनाली के लिए जा रहे हैं और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कौन कौन से गांव से ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं? सभी गांव से आ रहे हैं। मुंगेड़ है, कावजा है, पिंडावल है, साबला, जितने ब्राह्मण गांव है, खेड़ा, आसपुर, इससे पूरे ब्राह्मण समाज में काफी आत्मसम्मान को हमारे ठेस पहुंची है। प्रशासन उचित कार्रवाई नहीं करता है तो पूरे क्षेत्र में इसका आक्रोश देखा जाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी है प्रशासन के लिए। इस तरह से मूर्तियां खंडित करना हम सहन नहीं करेंगे और इससे 100 मूर्तियां ज्यादा लगवाएंगे।